नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। दोस्तों, आज के इस लेटेस्टिक वीडियो के अंदर हम बात करने वाले EPFO से लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, वो भी आज की। जी दोस्तों, EPS 90 पर पेंशनरों और केंद्रीय कर्मचारियों, अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो आपके लिए बहुत ही गजब की अपडेट है और बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी है इसके साथ में। और दोस्तों, इसके अंदर फाइनल आपको पता चल जाएगा कि आपको कब से पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है और कब आपको पेंशन दी जाएगी, कब आपके खातों में पेंशन आने वाली है और कब से आपके जो फैमिली पेंशनर है उसको और सभी को DA DR दिया जाएगा और कब से आपकी सैलरी बढ़ोतरी होगी अगर आप कर्मचारी हैं तो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एकमात्र भरोसेमंद ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको फेस टू फेस वीडियो मिलता है और केंद्रीय कर्मचारियों और EPS 95 पेंशनरों के लिए जो भी अच्छी और सच्ची अपडेट होती है वो सबसे पहले दी जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना होगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास में लगे घंटे के बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि दोस्तों हमारे द्वारा जो भी अपडेट जो भी वीडियो आएगा वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, वंचित ना रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर ओनली फॉर जो सच्ची और अच्छी अपडेट होती है, बेफालतू की कोई वीडियो नहीं अपलोड किए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा बने रहें, हमारा वीडियो एक ही वीडियो आता है, एक वीडियो के अंदर पूरा निचोड़ पूरे दिन का पूरा निचोड़ निकाल करके दे दिया जाता है। चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ जानकारी के लिए कि EPFO की तरफ से बड़ी अपडेट आई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पेंशन बढ़ोतरी की भी मीटिंग फिक्स कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या किस लिए इस मीटिंग को रखी गई है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को DA और पेंशनरों को DR और DA को लेकर के सभी पेंशनर और कर्मचारी काफ़ी दिनों से इसका वेट कर रहे हैं, तो इनको लेकर के मीटिंग रखी गई है 20 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, ओनली फॉर आज हो गई है 17 जुलाई, तो 20 जुलाई को रखी गई है। 3 दिन आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा, 3 दिन करना पड़ेगा आपको मात्र और मात्र इंतज़ार। वहीं से दोस्तों, EPFO की तरफ से भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि हम केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी कर देंगे। पीछे जो हमारे मुनाफा हुआ था उस मुनाफे को लेकर के हम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी हम तैयार हैं। बहुत ही अच्छी अपडेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब ये देखा तो मैंने सोचा कि तुरंत वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि इतना जल्दी नहीं बनाएंगे, पूरी इस जानकारी की हम निचोड़ निकाल करके उसके बाद में वीडियो बनाया जाएगा, तो मैंने इसका पूरा निचोड़ निकाला। ये एकदम राइट इन्फॉर्मेशन है, राइट खबर है, राइट न्यूज़ है, राइट अपडेट है। दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही EPFO ने जारी करके बताया है कि ये जो सरकार की तरफ से DA DR और फैमिली पेंशनरों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और EPS 95 पेंशनरों के लिए, इन सभी के लिए जो सरकार 20 तारीख को निर्णय ले रही है और 20 तारीख को मीटिंग में जो घोषणा होने वाली है उसको लेकर के हम सहमत हैं। ये भी जताया है EPFO ने कि उसको लेकर के हम सहमत हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि EPFO की तरफ से आपको कभी भी खुशखबरी मिल सकती है और कभी भी जो EPFO है वो पहले तो चलो ठीक है, कुछ आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो गई थी EPFO की तरफ से भी, लेकिन अब क्या हुआ है कि EPFO को काफ़ी सारा मुनाफा हुआ है, जो कि मुनाफे वाला वीडियो मैंने पहले आपको बता दिया कि जाकर के आप चेक कर लेना कि किस प्रकार से EPFO को इतना सारा मुनाफा हुआ जिसे हमारे जो पेंशनर है और कर्मचारी उनको इतनी सारी पेंशन और DA दे सके, तो वो भी आप जाकर के चेक कर लेना। और दोस्तों, EPFO का तो मैंने पहले बता दिया आपको कि लिस्ट जारी जो आंकड़े बनाए गए थे वो आंकड़े किस प्रकार से थे, किस प्रकार से नहीं थे, वो भी आप जाकर के एक बार चेक करना, ज़रूर चेक करके मुझे वापस बताना कि हाँ रियल में अच्छे हैं, सही है, मतलब सही है, तभी तो मतलब इतना प्यार मिला है आप लोगों का। उस वीडियो के अंदर 1,31,000 व्यूज आए हैं, तो मतलब 1,31,000 लोगों ने देखा है, तो मतलब कुछ भरोसा करके ही देखा है, ऐसे नहीं देखा उसको, ठीक है। तो आप जाइए और चेक भी कर लीजिए, उसको चैनल पर ही है, हमारे चैनल पर EPS 95 पेंशनरों और केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा कोई भी अपडेट वहाँ पर नहीं है, सिर्फ पेंशनरों के लिए अपडेट वहाँ पर है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि EPFO के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमारे आंकड़े से मैच है। अब बात करते हैं कि मीटिंग 20 तारीख को होने वाली है, ये निश्चित है, ठीक है।
पहले 26 को थी, लेकिन 26 को हो सकता है कि और भी हो सकती है, पर इससे पहले ही 20 तारीख तय कर दी गई है। और नए जो मंत्री आए भूपेंद्र यादव जी, उनको EPS 95 पेंशनरों और केंद्रीय कर्मचारियों और बाकी जो हमारे NSE के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, उन्होंने भी एक लेटर जारी करके और उससे मुलाकात करके ज्ञापन सौंप के बताया कि सर हमारी ये जो प्रॉब्लम है इनको आप सॉल्व करें। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर मीटिंग होगी 20 तारीख को और उस 20 तारीख की मीटिंग के अंदर इसका निर्णय श्योर लेंगे, उस मीटिंग के अंदर उस पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय लेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब पेंशन है जो हमारी मांगों के अनुसार दी जाएगी या फिर पेंशन है जो आंकड़ों के अनुसार दी जाएगी। ये जब क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना करके दिखाऊंगा। क्लियर होते ही जैसे कि मान लीजिए EPFO की या तो फिर EPFO को बता देंगे कि EPFO अपने आंकड़ों के अनुसार पेंशन दे दी जाए, ठीक है, तो फिर तो वो हमारे जो वीडियो है वो है। और अगर EPFO को नहीं कह करके और NSE की और कमांडर अशोक जी रावत की और हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को अगर पूरी करें तो 7500 प्लस DA हो सकती है सभी की। लेकिन यहाँ पर एक इशू और चल रहा है कि 2004-5-6 से बाद में जो बाद में मतलब उस साइड बाद में 3, 2, 1, 2000, 99, 99, 97, 95, 95 तक उसके बाद में भी नीचे हैं जो जिन लोगों को काफ़ी सारे कुछ जोड़ा गया है, लेकिन उनका इन तक मतलब 2006 तक ऊपर के लोग हैं उनको पेंशन मिल सकती है 75% DA, क्योंकि उससे नीचे का इश्यू चल रहा है जो कोर्ट में चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पर कि ये कहीं 2004-5-6 वाला नया इश्यू खड़ा कर दिया है जिससे मतलब कि पेंशनरों को पेंशन देने में थोड़ी और वेट लगा सके सरकार। फिर यार इसको सरकार को कोई समझ ही नहीं सकता है। एक तरफ सोचते हैं कि यार मतलब कुछ ऐसा नहीं किया होगा कि थोड़े दिन और वेट करवा लें इनसे तो एक नया इश्यू डाल देते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 2004-5-6 में इश्यू है तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, तो वो 2005-6 में जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं नहीं हमें भी पेंशन दो हमें भी पेंशन दो, तो ये इशू चलता रहेगा थोड़े दिन के लिए। कुछ ही नया टॉपिक डाल देते हैं हम, पेंशन 5000 देंगे, कुछ ना कुछ नया टॉपिक डाल देते हैं, फिर आगे की आगे पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो स्थिति है ये इस प्रकार से स्थिति है, इस प्रकार से मीटिंगें होगी, इस प्रकार से EPFO आंकड़े जारी करेगा, इस प्रकार से बाकी सब भी ये अपडेट है। EPFO ने आज श्योर कह दिया है कि हम तैयार हैं, वह सब सरकार की तरफ से और जो भी कोर्ट से फैसला है उनसे और मीटिंग से जो निर्णय लिया जाए उसका ही वेट है, हमारी तरफ से हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो मतलब EPFO की अब कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब EPFO को कह दिया जाए कि अब आप पेंशन दे दी जाए इतनी दे दी जाए, फिर भी EPFO नहीं दे रहा है तो उसकी गलती श्योर होती है, लेकिन अभी EPFO की कोई गलती नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप किस वीडियो को लेकर के क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियो को ऐसे देख करके चले जाते हो। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एकमात्र भरोसामंद यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको अच्छी और सच्ची अपडेट मिलती है जो कि सच 100% होती है यहाँ पर। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही कहेंगे, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, घर में रहें सुरक्षित रहें।